इंडिया पर सीतापुर के शिक्षा विभाग से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि दलित छात्रों को बर्बरता से पीटे जाने व उन्हें जाति सूचक शब्द कहे जाने के मामले में दो शिक्षकों को निलंबित किया गया है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के केसरीगंज संवाददाता आकाश सिंह जी। तो आकाश जी बताएं कौन वो दो शिक्षक हैं और ये किस विद्यालय का मामला है? जी अरुण, बता दें विकासखंड क्षेत्र के लहरपुर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय लक्षण नगर में बीते दिनों दलित छात्र को शिक्षकों द्वारा पीटने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने भी टीचरों से तूतू-मूतू की थी। उक्त मामले के बाद परिजनों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने आरोपी शिक्षक संदीप कुमार मिश्रा व दुर्गेश कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ज्ञातव्य हो कि लक्षण नगर निवासी रानी ने पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, ग्राम प्रधान विवेक शुक्ला पोनू व खंड शिक्षा अधिकारी तत्कालीन सिमी निगार को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उनका पुत्र कमल उम्र 11 वर्ष गांव के प्राथमिक विद्यालय लक्षण नगर में कक्षा 5 का छात्र है, जिसे 20 सितंबर को विद्यालय के शिक्षक दुर्गेश व संदीप के द्वारा जाति सूचक गालियां देते हुए मारा पीटा गया था। पीड़िता की तहरीर पर तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार ने जांच कर उक्त दोनों शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की थी। खंड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने दोनों आरोपी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की है। बिल्कुल, तो काफी बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है। शिक्षा विभाग से बताया जा रहा है कि ब्लॉक लहरपुर में जो प्राथमिक विद्यालय लक्षण नगर है, यहाँ का ये मामला बताया जा रहा है और 20 सितंबर का मामला बताया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि आरोपी जो वहाँ की निवासिनी रानी है, उनके द्वारा जो है दो शिक्षक जो वहाँ पढ़ाते थे, जिनके नाम जो है संदीप कुमार मिश्र और दुर्गेश कुमार बताए जा रहे हैं, इन पर ये आरोप था कि दलित छात्र जिसका नाम कमल है, इसकी उम्र 11 वर्ष है, इसे जो है बर्बरता से पीटा गया था, कक्षा पांच के छात्र को, और जो है उसे जाति सूचक गालियां भी दी गई थी। इस मामले की शिकायत जो है रानी ने पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा व स्थानीय ग्राम प्रधान और तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी जो सिमी निगार हैं उनसे की थी, और इस मामले की जांच जो है तत्कालीन जो खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार हैं वो कर रही थी, और जब उनकी जांच में ये दोनों आरोपी शिक्षक जो है दोष इनका सिद्ध पाया गया और उन पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल आज इस मामले में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह से इस मामले में मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात को जो है इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने बताया कि जो है दोनों शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। तो काफी बड़ी जानकारी है और जो है दो शिक्षकों के निलंबन से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।